मेरी चिंता मत करो, मैं मर रहा हूं। चिंता वहां पड़ी उस लड़की की करो। पर सर रिचर्ड, आपके अलावा ये ऑपरेशन और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हाँ कर सकता है, सिर्फ एक आदमी डॉक्टर डेरिया कर सकता है। चल बस, अच्छे आदमी थे। तो क्या कहते हैं डॉक्टर डेयर, आप ये खतरा मोल लेंगे? सॉरी, मेरा मास्क, नर्स, ग्लव्स। चोरी दो सिस्टर। देखो देखो उसे किस तरह से चोरी पकड़ रहा है, मानो सिग्नेचर कर रहा हो। क्या बात है, तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? काफी कुछ, स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं भाई। फेंको मत, तुम उसके सामने बूढ़े नजर आते। सिर्फ 35 साल का हूँ मैं। झूठे। तो 35.5 साल का कर लो भाई। तुम उससे चलते हो? मैं उससे चलता हूँ क्योंकि उसका चेहरा हमेशा टीवी पर आता है भाई। अगर मैं अपनी उंगली काट लूँ तो वो बेहोश हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगी, नाचोगी? हाँ, क्या तुम्हें कोई तकलीफ? कोई फोन उठाओ भाई। उठाओ भी, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। हेलो, मैं ब्रुक बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। आप ऊपर आइए जरा जल्दी। तुम बिस्तर से बाहर क्यों निकली? मैं निकलती भी नहीं हूँ। जाहिर है तुम मरीज नहीं लगती। वो ऊपर है। इस तरफ डॉक्टर। क्या बात है, पीठ में दर्द है? पीठ दर्द भी नहीं कह सकते। हे भगवान, क्या हुआ डॉक्टर जेयर? मेरा मतलब मिस्टर बैसिल ब्यूचर। बहुत देर कर दी डॉक्टर, बहुत दर्द है, मुझे अपेंडिसाइटिस है। अरे नहीं, दर्द होता तो तुम चिल्लाते। वाकई बहुत दर्द है। ब्रुक, तुम चलिए, बटन निकालिए और मुझे देखने दीजिए। ये क्या, तुमसे नहीं कहा लड़कियों फिर कभी? हाँ चलो अब जाओ यहाँ से। मुझे तो कोई अपेंडिक्स वाली बात नहीं लगती। देखो ब्रुक, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, मुझे भी डॉक्टरी आती, समझे? ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे थोड़ा चेक तो करने दीजिए। नो, मत करो। अगर तुम्हें अपेंडिसाइटिस होता तो मेरे छूने पर दर्द होता। हो सकता है, इसका गाउन तो लाना बेबी। क्या? मैं उन्हें स्टेज चलाने के लिए कहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो चल सकते हैं। ये डॉक्टर डेयर है, क्या हम उनसे मिल पाएंगे? उसके नकली दांत है, सच? बिल्कुल झूठ है ये। वो भी पहनता है, तुम लोगों को हैरानी होगी। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। भागो भागो भाई, जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सर एक नया मरीज भर्ती हुआ है, कलाकार है लेकिन मानसिक रोगी लगता है। अच्छा, क्या हुआ उसे? सर उसे अपेंडिसाइटिस है, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिसिटी पाने का कोई तरीका है। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ठीक कहते हैं सर, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये क्या भीड़ लगा रखी है, इन सबको अंदर आने की इजाजत किसने? डॉक्टर डेयर, ठीक पहचाना, मैं तुम्हारा शो हमेशा देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है। क्यों ना एक तस्वीर हो जाए एक प्रसिद्ध डॉक्टर की एक प्रसिद्ध सर्जन के साथ। अच्छा, उतार लो, खींच लो यहाँ पे, ठीक है ना? तुम नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं डॉक्टर हूँ भाई। अरे हटिए जरा। ठीक है दोस्तों, ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमें अब अकेला छोड़ दीजिए। थैंक यू डॉक्टर लॉन्सनार, थैंक यू डॉक्टर डेयर। चलो दोस्तों। तो ये बताइए आपको क्या तकलीफ? लगता है मुझे अपेंडिसाइटिस है। अब कैसा लगता है? हवा थी। मैंने पहले ही कहा था कि गैस है। बड़े झूठे हो तुम। तुम तो तब से नहीं बदले जब से तुम्हें पकड़ा गया। संभालो अपने आप को डॉक्टर, शांत हो जाओ, बेहतर होगा कि आप अपना काम देखो जाकर। डॉक्टर डेयर का कैरेक्टर शायद आपको बहुत थका देता होगा, कभी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो कभी आंखों का ऑपरेशन कर दिया, दिमाग के मरीजों की तो पूछो ही मत है। हाँ सच में यही सब बातें मुझे थका देती हैं। मेरे ख्याल से तुम पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही, और तुम्हें छुट्टी की सख्त जरूरत है। जहाज का सफर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, खुली धूप और ताजी हवा की तुम्हें बहुत जरूरत है।
ये तुमने अच्छी बात कही, लेकिन जहाज की सारी सीटें तो बुक हो चुकी होंगी। लेकिन सही आदमी से बात करो तो काम हो सकता है। तुमने कभी गोल्डन हॉर्न का नाम सुना है? द गोल्डन हॉर्न? हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा जहाज है। बिल्कुल ठीक, मैं उस जहाज के कप्तान को जानता हूँ। एक बहुत ही अच्छा आदमी है, नटखट, खूबसूरत, होशियार, लोगों से जरा हटके है। उसे तो हंसमुख होना ही है क्योंकि मेरा भाई जो है। तुमको थोड़ा सा शौक लग सकता है मेरे दोस्त। अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ संजीदा हो जाऊं। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं डार्लिंग। गंदा हो गया। आई लव यू डार्लिंग। मैं चाहता हूं कि तुम वापस मेरे यहां आ जाओ। मुझे मंजूर है। वो शुभ दिन कब आने वाला? मैं तो बस यूं ही थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। कैसा लगा तुम्हें सुनकर? डराओ ना, लेकिन तुम शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुमने ब्रह्मचारी क्लब के बारे में नहीं सुना? सुना है, मैं तो उसका चेयरमैन था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब शादी कर लूँ। कितना बुरा ख्याल है। अरे नहीं नहीं, प्रोफेशनल रीजंस हैं। मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अमेरिका में अगर मैं शादी कर लूँ तो। जरूर, इसमें कोई राज है। लगता है तुम्हें किसी नर्स से प्यार हो गया है। मुझे लंदन की सबसे खूबसूरत औरत से प्यार हो गया है। तो आप डॉक्टर हैं? क्या आप इसे पॉट में रख देंगे? हाँ हाँ जरूर। मैं जल्दी तो नहीं आ गया ना? नहीं, मुझे देरी हो गई है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तैयार होने में। जरा इसे पकड़िए। क्या आप इसे बाथरूम में टांग देंगे प्लीज? मुझे किसी के सामने तैयार होने में शर्म आती है, लेकिन आपसे कैसे शर्म, आप तो डॉक्टर हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल। मेरा मतलब है, आपने कईयों को ऐसी हालत में देखा होगा अपने हॉस्पिटल में। लाखों को, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा ही था। ठीक कहा तुमने। ये क्या? तुम क्या चाहते हो? क्या भी? अभी बताता हूँ। मेरे लिए इतना सजने सवरने की जरूरत नहीं। तुम नेचुरल भी रह सकती हो। बाहर जाना जरूरी है क्या खाने के लिए? मैं आपके साथ खाने पे बाहर नहीं आ सकती, मुझे सेडमैन ग्रीन के साथ बाहर जाना है। कौन है वो? है कोई? क्या मजबूरी है? मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन वो फिल्में बनाता है और मैं सारी जिंदगी मॉडल बनकर नहीं रहना चाहती। जिंदगी आगे बढ़ रही है, मैं करीब 21 की हो गई हूं। हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे अगले शनिवार तक छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं भी शनिवार को नहीं आ सकती। क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें अपने वेकेशन मैगजीन के बारे में नहीं बताया? वो मजेदार है। हाँ, हम चार मॉडल्स के फोटोग्राफ्स निकाले जाएंगे हर एंगल से। हर जगह? मतलब कहाँ? हम लोग एक टापू पर जा रहे हैं जहाज से शनिवार को। चारों तरफ पानी, बड़ा मजा आएगा। देखो डार्लिंग, एफिलिया, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ बैठो, इस तरफ आओ। बैठो, बैठ गई। मैंने पिछली जिंदगी में काफी कुछ मजाक किया होगा, लेकिन इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। जरा रुकना डॉक्टर साहब, दरवाजे पर कोई है। हाय बेबी डॉल। हाय सेडमैन ग्रीन। ये पागल कौन है? सेडमैन ग्रीन, डॉक्टर ब्रूक। हमें अब चलना चाहिए बेबी, देर हो गई है। चलते हैं सेडमैन ग्रीन। लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, शनिवार को बंदरगाह पर आ जाना 4 बजे। अगर थोड़ा जल्दी आ गए तो जहाज चलने से पहले थोड़ा प्यार करने का मौका मिल जाएगा। बेवकूफ, चिड़ियाघर से छूटा लगता है। आपका स्वागत है सुंदरियो। हमें भी ऑटोग्राफ चाहिए। माफ कीजिएगा, कौन? मरे सर। थैंक यू। हमें भी हमें भी चाहिए। ठीक, अब ऑफिलिया तुम चलो ही। ठीक, बराबर ऑड्री, थोड़ा बाएं देखो जीन। माफ करना दोस्त, कहीं तुम उस लॉज के मालिक तो नहीं हो? नहीं नहीं, तुम हो जिमी एडवर्ड। ओ, पहचान गया, तुम हो डॉक्टर फिलिप डेयर। हाँ, हाँ। मैंने इस चेहरे को पहचान लिया है, मैं तुम्हारे चाहने वालों में से एक हूँ डॉक्टर डेयर। अच्छा है। मैं हूँ लेवलिन वेंडोवर और मेरी अभी अभी लॉटरी लगी है, किसी से कहना मत वरना यहाँ मांगने वाले भिखारियों की भीड़ लग जाएगी। हाँ।
ओह मिस्टर बीचम, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। कैप्टन ने मुझे आपको आपके केबिन तक ले जाने के लिए कहा है, वो आपको जहाज निकलने के बाद आके मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तब तक शायद मैं सो चुका हूँ। जहाज पे पहले एक दो दिन मुझे काफी तकलीफ होती है। आपको गोल्डन हॉर्न पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ अपने घर जैसे ही सुरक्षित। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मिनट सुनना तो जरा, आप इस तरह से चलिए। मैं जरूर चलूंगा। लेकिन मेरा क्या होगा? अगर आप ही सबकी टिकट चेक करते हैं तो बताइए मेरी जगह कहाँ है। जी हाँ, मिस्टर सर्जेंट आपकी देखभाल करेंगे। मैं ऐसी वैसी जगह ठहरना पसंद नहीं करूंगा। शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने जैकपॉट जीता है, समझ गए? मिस्टर लुवेलन विंडोवर, केबिन नंबर 55 सर। केबिन? तुम्हारा क्या मतलब है केबिन? मैं कोई ऐरा गहरा यात्री नहीं हूँ, समझे तुम? मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक किया था। केबिन 55 फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए ही है। तो ये जहाज कितने बजे छूटता है? मेरा मतलब है, अगर हम सब यहाँ हैं तो जहाज को निकलना चाहिए। बाथरूम कहाँ है? जहाज की दूसरी तरफ। काफी चलना पड़ेगा। डॉक्टर डेयर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, हम साथ में जहाज की सैर करेंगे, खूबसूरत नजारे देखेंगे। क्या चल चल मेरे साथी। पर सर, देखो ये आदमी मुझसे जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल बेहतर। बिल्कुल सर, आप इस तरफ आइए। हाँ चलो यार, रुकना, मुझे शहर वापस जाना है। एक मिनट साहब। क्या हुआ? 120 रुपए। 120? जी हाँ, 60 रुपए आने के और 60 रुपए जाने के। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है यार? नहीं बिल्कुल। देखो, नहीं। देखो कुछ रुपए हैं मेरे पास। अरे लेकिन मैं तो, मेरे पास इतने ही है। कोई बात नहीं, छुट्टे भी चलेंगे। ठीक है, प्लीज ये काफी नहीं है। देखो ये चिल्लर रख लो। अरे लेकिन ये तो, अरे चिल्लर इतनी है यार। अरे फूल भी रख लो, ये मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। हटिए, आधे घंटे में मत आना। नाम बताइए। मैं पैसेंजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिस फिलियर ब्रांड से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी काम है। वो केबिन नंबर 87 में है, लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। शुक्रिया। क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकता हूँ? मेरे पास बोर्डिंग कार्ड नहीं है यार। आई एम सॉरी, बिना बोर्डिंग कार्ड के प्रवेश। ये बहुत जरूरी है कि मैं उनसे मिलूं। मेरे यार, आपको इसके बारे में जहाज पे आने से पहले सोचना चाहिए था। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ। माफ कीजिए सर, कैप्टन के ऑर्डर्स हैं। तो ठीक है, बोर्डिंग कार्ड कहाँ मिलेगा? हेड ऑफिस में, शहर में। शहर में? जी हाँ सर। लेकिन मैं तो सिर्फ उनसे... सर आपको जहाज से अभी नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन के ऑर्डर सर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। तुम सुनो जरा। कौन मैं? हाँ तुम यहाँ आओ। अपने जूते निकालो। मेरे जहाज पे काम करने वाले कर्मचारियों के जूते कब से भूरे रंग के होने लगे बेवकूफ? टैक्सी कहाँ है? टैक्सी? मैं पानी, पानी, ये क्या है? ओह नो, इवनिंग सर।
क्या सब ठीक है? हाँ शुक्रिया स्टुअर्ट सर। मैं स्टुअर्ट नहीं हूँ सर, मैं हूँ मास्टर एटॉम्स। इस जहाज पर डिसिप्लिन रखना यही मेरा जिम्मा है। हाँ, डिसिप्लिन। अच्छा समझ गया। हाँ तो फिर सर। जूते बहुत काट रहे थे, केबिन में ही छोड़ आया मैं। समझता हूँ। और उस केबिन का नंबर क्या है बताएंगे जरा? 87 ऊपर की तरफ। और आपका नाम होगा? ओब्रायन। ओब्रायन। ओ ओ फॉर ओस्वाल्ड। नहीं 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 अफिलिया। मेरी माँ को लड़की की तमन्ना थी, समझे तुम? शर्मनाक। अब मैं समझता हूँ कि आप मेरे इन सवालों का बुरा नहीं मानेंगे सर, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ खास चीजों का। खास चीजें? खास चीजें? खास चीजें? हाँ सारी खास चीजें। चलता हूँ। सारी खास। ओह, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, मैं बस नहाने ही जा रही थी। मुझे कोई एतराज नहीं। क्या? मुझे तो लगा तुम अपने मरीजों के साथ बिजी होंगे। हाँ मैं बिजी था, लेकिन तुमने सोचा कि 3,000 पाउंड खर्च करके मेरे साथ रहना ज्यादा जरूरी है। दिल को छूने वाली इससे अच्छी बात पहले तुमने कभी नहीं की, समझी? मैं बस ना कि अभी आई। मैं हूँ सर, सिक्योरिटी ऑफिसर, डबल चेकिंग कर रहा था। यकीन मानिए, आप यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन कुछ लोग सच नहीं बताते और उस केबिन का नंबर बताते हैं जो उनका नहीं होता। हाँ मैंने सोचा आपको बता दूं। जाते जाते क्या आपको आपके जूते मिल गए सर? हाँ दोनों ही साफ हो रहे हैं। मुझे लगा कि खो गए। नहीं ओ ये बात है। तो तुम क्या वो पहनते हो? कभी कभार। ओ मैं तो यूं ही पूछ रहा था सर, क्योंकि क्योंकि वास्तव में सर कभी कभी इस जहाज पर लड़कियों के भेस में काफी लोग घूमते रहते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। बस एक बात और सर, दिमाग मत चाटो मेरे। इस जहाज पर अकेले जवान लड़के का अकेले जवान लड़की के कमरे में आना मना है, कप्तान का आदेश है। शादी से पहले की दोस्ती उन्हें कतई मंजूर नहीं, समझे ना आप? अगर ऐसी कोई बात हो तो सर मैं यानी कि हमें शक होने पर हम केबिन को वो क्या कहते हैं बार बार तलाशी लेते हैं। बाद में मिलता हूँ सर, आप पर कोई शक नहीं। मुझे भी कोई शक नहीं है एफिलिया, मुझे चलना चाहिए। जाने से पहले किस दे जाओ। नहीं शादी से पहले नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मैं फोन करूंगी, हम डिनर साथ में लेंगे। तुम्हारा केबिन नंबर क्या है? भूल जाता हूँ, तुम मुझे फोन मत करना, मैं करूंगा। इवनिंग सर, क्या आप मुझे परसर के केबिन का रास्ता बता सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी चीजें रखवानी है। अगर तुम्हें भी कुछ रखवाना हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। नहीं शुक्रिया, मुझे कपड़े बदलने हैं। आज के खाने में कुछ शानदार कपड़े मत पहना दोस्त, बेटा ने मुझे सब बताया है। डिनर के लिए सिर्फ एक गाउन पहनना होता है दूसरे दिन, मानो जहाज का रिवाज है। ठीक है, सलाह के लिए शुक्रिया। सुनो चाली, ग्रास में क्या ले जा रहे हो? मुफ्त का है क्या? ऐसे सौंदर्य दूर है सर, इसमें थोड़ा सा मक्का का आटा मिला है, पेट के हाजमे के लिए है। चाहे तो आप थोड़ा पी सकते हैं सर, अगर आपको चक्कर आ रहा है। मुझे और चक्कर? मैं बॉर्डर पे था दोस्त। ओ बहुत अच्छा, आप तो बॉर्डर पे था, मतलब वाघा बॉर्डर। मेरा मतलब देश की सरहद। ओए भिलगुड़ वाली जगह। उन दोनों ऐसा नहीं था, लगातार गोलियां चलती थी। ओरे बाबा गोलियां, कौन से पतंग, बड़ा मजा आता रहेगा। मेरा मतलब था बंदूक की गोलियां। 37 38 39
21, 39. माफ करना, आपका शांति भंग करने के लिए मिस्टर बीचाम, लेकिन मेरे कैप्टन ने मुझको यह आदेश दिया कि चैटर्जी फौरन ने दूध का गिलास उस पागल कलाकार के पास ले जाओ और देखो कि वो इसको तुरंत पी लिए। ले जाओ इसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, हमारा कैप्टन ये भी बोला उस पागल को ये गोली भी खिला देना, उसको कहना इसको निकाल ले और मुझको डिनर के लिए टेबल पर मिले। ऐसा उन्होंने मुझको कहा और ठीक वैसा ही मैंने आपसे कहा। अपने कप्तान से कहो जहन्नुम में जाए। वो तो मुमकिन नहीं है सर, हमारा पहला पड़ाव मार्शल स्पोर्ट में है। निकलो यहाँ से, मुझे अजीब सा लग रहा है। यू भगवान, आपका हालत साथ में तो अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा पी लीजिए ना, अगर पेट का सारा चीज नीचे नहीं रहेगा तो उछल कर बाहर आ जाएगी। हे भगवान, अच्छा होगा आप अपने बिस्तर पर लेट जाए सर, मैं बताना तो नहीं चाहता मगर तकरीबन आधे घंटे में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तूफानी हवा है, बहुत ही तेज। मिस्टर बीचम हमारे साथ डिनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ, मुझे उनसे मुलाकात करने की कितनी उम्मीद थी। अभी काफी वक्त है, मेरे भाई ने बताया था कि वो उम्दा व्यक्ति हैं। भाग गए, मुझे काफी निराशा हुई, वे मेरे फेवरेट कलाकार हैं, वे और उनके साथ वाला वो डॉक्टर। हेलो। ये किसकी कुर्सी है मेरी है? खाने में क्या बना है मुझे? मैं कप्तान हूँ, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस नाइट गाउन में क्यों घूम रहे हैं, क्या बीमार हैं? आप कप्तान हैं? मिलकर खुशी हुई, कम से कम नंगे रहने से तो अच्छा है, यहाँ की वॉशिंग मशीन शायद काम नहीं कर रही। इस जहाज के किसी केबिन में वॉशिंग मशीन नहीं है। तो वो दीवार में बने गोल छेद काहे के हैं? आपके तेज दर्रार दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी, वो पोर्ट होल है। क्या खूब कही, मैं क्या उससे तो कोई भी आदमी धोखा खा सकता है। हाँ बॉय, yes, एक कप कॉफी और एक डबल सैंडविच जल्दी। महाशय, मैं नहीं जानता आप कौन है और आपका नाम क्या है, लेकिन इस टेबल से उठने की तकलीफ करेंगे आप, ये सिर्फ खास मेहमानों के लिए है, समझे आप? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हारे लिए खास आदमी नहीं हूँ। आप जो चाहे समझिए महाशय। अगर ये जहाज डूब जाता तो अच्छा होता और मजा आता, जब मैं फर्स्ट क्लास लाइफ बोट में होता और तुम पानी में पड़े मदद के लिए पुकारते, तुम इस जहाज के अकेले यात्री होते तब भी चलता, मैं तब तुम्हारी मदद करता। चीफ, यस सर, इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दो। ठीक है, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कमीज पर कुछ सितारे लगे हैं, अपने ओहदे की वजह से तुम बिगड़ गए हो, ये लोकतंत्र है, समझे? इस तरफ चलिए सर, आइए सर। और एक बात, जब तुम यहाँ बैठे दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हो तो जहाज कौन चला रहा है? आइए सर, इस तरफ। कैसे कैसे आदमी होते हैं, उठ पटंग आदमी भी जहाज पर आ जाते हैं, क्यों ये सही है ना कैप्टन साहब? रियली? ये है आपकी जगह सर, पैसेंजर्स के लिस्ट में लिखा गया है आपके बगल के केबिन में मिस डेली और उनकी मम्मी है। वो बुढ़िया कहाँ चली गई? मम्मी की तबीयत खराब है। मैं हूँ विंडोवर, लेवलिन विंडोवर, जैकपॉट विजेता। आपका मतलब जिसके नंबर रात को टीवी पर निकलता है वही? बिल्कुल वही। माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आपने काफी पैसा जीता? लगातार 3 बार, पहली बार 26, दूसरी बार 35 और तीसरी बार 47। सच? तुम्हारी पत्नी तो बहुत खुश होगी। अब किसी से कहना मत, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई। अब मुझे विश्वास ही नहीं होता, लुभावना चेहरा और इतना पैसा होते हुए भी। मैंने पिछले हफ्ते ही जीता। तुम्हें संभल कर रहना होगा वेंडेवर जानू, यहाँ ऐसी चालबाज औरतें घूम रही है जो पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसी औरतों को पहचानता हूँ। क्या आप रात के खाने के बाद मेरे साथ कॉकटेल लेना पसंद करेंगी? उसके बाद का भी सोचा है? मैंने सब कुछ पहले ही सोच रखा है। चलेगा, मुझे कोई परहेज नहीं। ओके। खाना नहीं खाएंगे सर? नहीं नहीं, मैं खाली पेट कभी कुछ खाता नहीं हूँ यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो ऐसी हालत में आपको यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए सर, तूफानी हवाएं चलने वाली हैं, आपको केबिन में जाकर लेट जाना चाहिए। तूफानी हवाएं?
हाँ जाता हूँ जाता हूँ। ठीक ठीक अब सर को थोड़ा बाई और करो जीन ठीक है अच्छा है दाएं दाएं अब ओफिलिया गर्दन थोड़ा ऊपर और ऊपर करो देखो थोड़ा ध्यान दो ओफिलिया ठीक है बराबर बहुत अच्छा है ठीक से खड़ी रहो अच्छा एक अच्छा पोज दो ईव हाँ बराबर अच्छा अब ऑड्री थोड़ा घूमो बस थोड़ा दाईं ओर वाओ सो नाइस बस इसी तरह थोड़ी देर हाँ अगर रुक सको ओह बढ़िया ओ वाओ कितना अच्छा आओ, कितना अच्छा सपना देख रहा था चोर चोर कप्तान को बुलाओ चुप रहो पागल कहीं के मैं कोई चोर नहीं हूँ अच्छा तो यहाँ क्या कर रहे हो मैं लुका छुपी खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ कौन सा दोस्त वो मैंने पकड़ लिया तुमको वो तुम ही हो ना कौन मैं हाँ मैं अब तुम्हें पकड़ूंगा मैं भागूं बहुत अच्छे लड़कियों पैक अप पकड़ सको तो पकड़ो मुझे जान तुम सवेरे बड़ी जल्दी उठ जाते हाँ, हो हाँ हाँ मैं सवेरे सबसे पहले डेक की दौड़ लगाना पसंद करता हूँ इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है हेलो हेलो ये क्या तुम्हारी सहेलियाँ हैं लड़की है डॉक्टर ब्रूक मैं ही हाय टोनी आई एम जीन हाय टोनी मुझे ठंड लग रही है हाय लड़कियों मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही सेवा करनी पड़ेगी तुम जानते हो इस जहाज पर कौन सवार है डॉक्टर फिलिप यानी कि बिग चैन मुझे थाम लो डॉक्टर मुझे चक्कर आने वाला है और वो केबिन नंबर 20 में ठहरे हुए हैं डेयर इस जहाज पर तुम नहीं जानते हो हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं वो मुझसे काफी सीनियर है वो बड़ा ही कमीना और नीच इंसान है ऐसा नहीं हो सकता हाँ। मुझे उनसे मिलवाओगे मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि औरतों के मामले में उसका करेक्टर अच्छा नहीं है उसके पास जाने वाली कोई भी औरत सुरक्षित नहीं रहती ये तो सुनने में और भी मजेदार लग रहा है लगता है शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे लगा तुम मुझे अभी पकड़ोगे अचानक मुझे बहुत थकान सी महसूस होने लगी तुम बड़े वो हो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भले आदमी मैं एक कदम भी नहीं चल सकता कदम उठा ही नहीं पाता मैं सर एक्सक्यूज मी उसके पीछे मिस्टर बेसिल बिचम नहीं नहीं हमको चैटर्जी करके बुलाता है सर क्योंकि ऐसा है कि वो हमारा नाम है सर मेरा मतलब है क्या ये मिस्टर बिचम का कैबिन है मैं डॉक्टर बार्क हूँ लेकिन वो सवेरे सवेरे डॉक्टर को नहीं मिलना चाहता कोई है। बात नहीं मैं उनका निजी डॉक्टर हूँ निजी डॉक्टर हूँ मैं नीच डॉक्टर नहीं नहीं मैं कोई नीच डॉक्टर नहीं हूँ मैं उसका दोस्त हूँ आप उनका दोस्त है ये बहुत अच्छा हुआ सर आप उनको मिल सकता है सर इधर आओ शुक्रिया देखो डॉक्टर बिचम के लिए कुछ नाश्ता ले आओ जैसे अंडा दूध टोस्ट बटर मखला हमको नहीं लगता है कि ये उनके लिए ठीक रहेगा सर ऐसा है कि उनका पेट सवेरे से खराब है बहुत ज्यादा गड़बड़ है मैं समझता हूँ चटर्जी तुम्हें उतना ही करना चाहिए जितना तुमसे कहा जाए ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया नहीं नहीं आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया नहीं 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 आपका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग दोस्त गुड मॉर्निंग तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही चले जाओ मैं मरना चाहता हूँ उससे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी मैं परेशानी में फंस गया हूँ ब्रोक क्या समुंदर कुछ शांत ओ हाँ 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 शांत मानो जैसे कोई बच्चा इट्स टेरेबल ऐसा क्या टेरेबल अभी खोल रहा है बद से बदतर होता जा रहा है हाँ भयंकर समुद्री तूफान लहरें इतनी ऊंची
जितना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार? हाँ, सब कुछ पीछे से आगे से और आगे से पीछे जा रहा है, बार बार लगातार। कितना ही भयंकर तूफान क्यों ना हो, वो एक अच्छे डॉक्टर को अपने मरीज को देखने से नहीं मिल सकता। तो क्या हुआ अगर मेरी खुद की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई? क्या समझे, मुझे इतने सारे तले हुए पकौड़े नहीं खाने चाहिए थे। हाँ, क्या कहते हो, तंगड़ी कबाब, इतने सारे उबले हुए अंडे, और क्या था, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही लगता है। हाँ, वाकई। जरा अपनी जबान बाहर निकालो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सिर्फ अपने स्कूल के दिनों की खातिर मैं बगल वाले कमरे में ठहरने को तैयार हूँ, और मेरे सारे डॉक्टरी नुस्खे अपनाते हुए तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये विचार सुनकर मेरे दोस्त? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत आन पड़े तो मैं बगल वाले कमरे में हूँ, दिन रात तुम्हारी सेवा करने के लिए। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ आवाज देना, खासकर खाने के वक्त। ओ वो पकोड़े, ओ चटनी के साथ। वाह, ये जिंदगी। मिस्टर बीचम का नाश्ता सर। मैं इसका अंदर लेके जाता हूं अभी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं उन्हें दे दूंगा बाद में। वैसे सेटर जी, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहने वाला हूँ, मेरे दोस्त पर दिन रात नजर रखने के लिए बीमार है ना वो। ओरी बाबा, मिस्टर बीचम बहुत बीमार है क्या? ऐसा ही कुछ है। तो ऐसी हालत में उनको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी। तुम ऐसा करो, इस टेबल पर रख दो यहाँ पे, हमें क्या है कि उन्हें। अच्छा, हम समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ठीक पहचाना सर, हम आपका केबिन में जाके आपका कपड़ा लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सैटर जी, लेकिन तुम ये जैकेट ले जाओ। हाँ ये ले लो, और मेरी पतलून और मेरा शर्ट, इन्हें धोकर इस्त्री करके ले आना, और जितना जल्दी हो सके इन्हें वापस ले आना। इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हो, इन्हें साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है, ये मेरा डॉक्टर का लिबास है ना। तब तो मुझे इनको जल्दी से जल्दी तैयार करके आपको ला के देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी हालत में मैं इनको एकदम जल्दी से जल्दी लेके आता हूँ। कैसी हो मोटी? बेशरम। रस्ते में मिली एक नटिया, जिसकी नहीं थी छुटिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बाया हाथ नीचे। मिस्टर फर्नांडिस, दूर हटाओ इस आदमी को मेरी नजरों से। जरा रुको मुच्छड़, मुझे तुम्हारे साथ कल की बेहूदगी के बारे में बात करनी है। हम सब गलतियां करते हैं मिस्टर वेंडोवर। हाँ बिल्कुल ठीक, यानी कि अगर मैंने ड्रेस पहनी नहीं होती, मतलब वो ड्रेस पहना ही नहीं होता तो कुछ और पहना होता। तो जब हम खाने में जाते हैं तब हम जैकेट वाला डिनर ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो है एक मेरे पास, अब मैं वही पहनूंगा। तो तुम सब समझ गए मिस्टर फेरी? यस सर। जी हाँ, इस तरह से सर। अब तुम्हारी बारी है, नहीं शायद तुम उससे माफी मांगना चाहोगे। किस लिए? अगर तुमने तुम्हारा काम ठीक से किया होता और सबको बताया होता कि यात्रियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आखिर तुम कप्तान हो, इस जहाज की यात्रा कर चुके हो, मेरी ये पहली यात्रा है। मिस्टर वेंडोवर, तुम्हारे केबिन में 20 पन्नों वाली पुस्तिका है जो आपको बताती है कि जहाज पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं राय दूंगा कि आप उसे पढ़ें, और अगर ना पढ़ पाए तो किसी और से पढ़वाएं, आप समझे? शायद इन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। मेरा मतलब, सारे लोग मुझे निचले क्लास का समझते होंगे, मुझे नहीं पता खाने के वक्त कौन से कपड़े पहनने चाहिए, और ये किसकी गलती है? तुम्हारी मुच्छड़। और अब इस हालत में तुम मुझसे माफी मांगना चाहोगे? मैं तुमसे माफी मांगू? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा तुम घमंड में रहोगे। लेकिन सब ठीक है, बात के खाने में मिलते हैं, जहाज को ठीक से चलाना। चलता हूँ। <हूं। laughs>
मैं कैसा लग रहा हूँ सेठ जी? ओह सुंदर सर, अति उत्तम। हाँ मुझे लगा ही था। तो अब मुझे चलना चाहिए क्यों? अगर मिस्टर बीचम मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं दवा खाने से उनके लिए दवा लाने गया हूँ। ओके मिस्टर बीचम की केबिन कौन सी है? ये है सर, लेकिन उनका तबीयत खराब है सर, काफी उल्टियाँ हो रही है, काफी चक्कर भी आ रहा है। इतनी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे सेठर जी? गुड मॉर्निंग बीचम। बीचम, मैं तुम्हारा कप्तान हूँ, लैंसलॉट का भाई। चलो चलो उठ जाओ, बिस्तर से खड़े हो जाओ। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कप्तान, ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं सख्त बीमार हूँ। बकवास, ये सब चक्कर वगैरह झूठ है। बिना ताजी हवा के तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा? तुम कोई घर में रखने की चीज नहीं हो। तुम अपने आप पे तरस खाते वहां पड़े रहोगे तो बीमार महसूस करोगे। मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, और मैं ठीक वही करने जा रहा हूं। आपको तुरंत ठीक करने वाला इसकी तरह कोई दूसरा नुस्खा नहीं है। ये फुटबॉलर्स, बॉक्सर्स और कभी कभार टीवी स्टार्स को भी ठीक करता है। एक मिनट। हेलो, हेलो, मैं कप्तान बोल रहा हूँ। क्या आप शैंपेन की बोतल केबिन नंबर 20 में भेजेंगे? मिस्टर बीचम के खाते में लिख दीजिए। ठीक है, एकदम ठंडी। समंदर तो शांत है। देखा, तुम्हारी तबीयत अभी से ठीक होने लगी, तो अब जाकर कपड़े बदलो, थोड़ी ताजी हवा खाओ और मेरे साथ आकर लंच करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बढ़िया दिन है ना? गुड। क्या तुमने किसी नियायती खूबसूरत मॉडल को अपनी फोटो खिंचवाते हुए देखा है? हाँ मैंने देखा है। सच कहूँ तो शायद वो मुझे पसंद करती है। सच बात तो ये है कि वे सभी करती हैं। मेरी उम्र ही कुछ ऐसी है। हाँ हाँ, मिसाल के तौर पर उस लड़की को देखो, सवेरे से मुझसे नजर मिला रही है, मेरा ध्यान बटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ओ देखो 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 देखो। देखा मेरी पर्सनालिटी को, उसे दीवाना बना रही है। हाँ सही है। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ देखा था जो फोटो खिंचवा रही थी? वे दो थी और तकरीबन आधे घंटे पहले उस तरफ देखा था उनको। देखो मुझे बुला रही है। मुझे जाना होगा। हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया, अब आगे क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अब नाटक मत करो, नाश्ते के वक्त से तुम मुझ पर डोले डाल रही हो। मैंने कुछ अंग्रेजी फिल्में देखी है। जिस तरह तुमने अंगूर खाए, शक्की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये आदमी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? एक मिनट, इससे पहले मैंने देखा है, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम इसकी बाप की उम्र के हो? मैं इसका बाप ही हूँ, बस दिमाग कहीं के। मॉर्निंग पिताजी। ओ, ओ, पकड़ो से। अरे क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या है? मैं तुमसे वो अंदर आने का शुक्रिया ब्रुक, शायद तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है। एक मिनट मेरी बात सुनो, सुनो, अरे सुनो तो, मुझे तुमसे कुछ अकेले बात करनी है। तुम कल आना। हम सबको चलना चाहिए। ठीक है चलो चले। बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। कितनी खूबसूरत हैं सब। देखो दोस्त, तुम्हें शायद सब कुछ बता देना चाहिए, मैं एफिलिया से शादी करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हें उसे इस तरह से किस नहीं करना चाहिए। इस तरह? किसी और तरीके से किस करना हो तो थोड़ी और जान पहचान बढ़ानी चाहिए। ये तो तुमने मेरे कपड़े पहन रखे। हाँ मैं जानता हूँ, दरअसल मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। ठीक है तो इन्हें बात करते हुए उतारो।
लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। क्या कह रहे हो यार, ये तो बिल्कुल नए हैं। जो कुछ भी हो इन्हें उतारो, जल्दी से मुझे पहनना है। तो ठीक है, फिर तुम कोई और कपड़े दे दो, क्योंकि मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए दे दिए हैं यार। क्यों, तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े? देखो, मैं इस जहाज पर सिर्फ एफिलिया को बाय कहने आया था, लेकिन फिर मैं किसी से टकराया और बेहोश हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे चोर समझ लिया यार। मैं तुम्हें चोर लगता हूँ क्या? एक चोर? हाँ, देखो ना यार, चोर समझ लिया। कितना अजीब है। हाँ, एक बात बताओ, क्यों नहीं तुम वो कर लेते हो जो और लोग करते हैं, अपना टिकट खरीद लो। डॉक्टर उतना नहीं कमाते हैं जितना कि टीवी की दुनिया में काम करने वाले, समझे तुम? हाँ, तो हाँ। अगर तुम मुझे अपनी केबिन कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने दो, कुछ चीजों के साथ, या फिर जैसे भी तुम चाहो, मुझे इस भयंकर परेशानी से बाहर निकालो प्लीज। क्या करोगे? मैं कर सकता हूँ और करूंगा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मुझे विश्वास था कि तुम इतने कमीने नहीं हो जितने कि बचपन में थे। हेलो, डेक मास्टर से बात करवाओ। कमीने कहीं के, मैंने आपके लिए एक चोर पकड़ा है। अरे ओ नालायक इंसान, बाज। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे यहाँ से ले जाएं। तुम अरे वो तो भाग रहा है। हरामखोर, तुम बड़े ही कमीने हो। जल्दी करो, पकड़ो उसे। एक दो तीन चार, ये चला। दोपहर को कसरत अजीब तरीका है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है थॉमस। मैं कसरत के कपड़े लाना भूल गया। हाँ। कसरत के नाम से मुझे भूख लगी। चलो, ओ बंद है। बंद है, चलो। मम्मी, तुम मुझे वैंडेवर से मिलने के लिए क्यों रोक रही हो? तुम उसे जानती नहीं। तुम्हारी मम्मी यहाँ वहाँ पूछताछ कर रही है, और जो सुना वो मेरी जानकारी के लिए बहुत है। और वैसे भी उसके कपड़ों से वो अच्छा आदमी नहीं लगता। पता नहीं तुमने उसमें क्या देखा। वो बहुत अमीर है। होने दो, मगर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और वो तुम्हारी मम्मी का फैसला है। मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला है, कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए नहीं। अगर तुम्हारे लिए कोई है तो वो है कप्तान। जाहिर है, मेरा मतलब है सिर्फ शादी की लालच नहीं, उसके आमदनी 50 लाख सालाना है। उसके पास बैंक में भी बहुत पैसा है। ओह, गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह, गलती कर रहे हैं, मैडम नहीं मिस है, मैं हूँ मैडम। चलिए, इसी बहाने आपकी पहचान करवा देती हूँ। ये डियर डेली, ये अपने पैरों से कई करतब दिखाती है। ओ, लगता है मुझे इस जहाज पर तुम्हारा डांस देखने का मौका मिलेगा। तुम्हारा हुक्म भला मैं कैसे टाल सकती हूँ। ओ चलो बेटी, मम्मी को भूख लगी है। कप्तान के साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। ओ, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों खींच लिया? मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाई। तुमने उसे ऐसी नजरों से देखा बेटी, तुम इन सेलर्स को नहीं जानती हो। इनसे ऐसी नजरें मिलाना अच्छी बात नहीं। गुड मॉर्निंग। जून का महीना होते हुए भी काफी गर्मी है। आपका क्रू भी काफी अच्छा है, अच्छे पैसेंजर्स। लो, जोकर आ गया। ये सूप तो बड़ा ही स्वादिष्ट है कैप्टन। तुमने फिर वही क्या मुच्छा? तुमने मुझे रात के खाने का ड्रेस पहनने को कहा, और वो सिर्फ मैंने ही पहना है। हम रात का खाना नहीं खा रहे हैं मिस्टर वेंडोवर, दोपहर का खाना खा रहे हैं। कितने बजे हैं अभी? 12:55। इसी वक्त तो हम गांव में डिनर करते हैं। अगर जहमत उठाकर तुमने वही पुस्तिका पढ़ी होती जैसा कहा था, तो आपको पता चल गया होता कि दोपहर का खाना 12:30 को और रात का खाना 7:30 को लगता है। ओह, लगता है हमारी घड़ियों में कुछ झगड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, इसे छुटकारा तो मिला। अब कमीज काट रही है। एक बात ठीक से समझ लो मिस्टर वेंडोवर, रात के खाने में सिर्फ काली टाई पहनी जाती है, क्या समझे तुम? डिनर में सिर्फ काली टाई पहनते हैं? बराबर। समझ गया, यहाँ के लोगों ने भी सुना। अब मैं ये खाना अपने केबिन में ही खाऊंगा। थैंक यू। बाय।
चलो लड़कियों अपने स्विमिंग सूट्स पहनकर पूल पर पहुंचो 2:30 बजे तक। चलते हैं, ठीक है, ओके। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई डॉक्टर डेयर। अगर तुम भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लो तो मैं तुम्हारी भी तस्वीरें खींचना चाहूंगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जरा हाथ देना तो, मैं अटक गया हूँ। ठीक है। हे, बताओ तो तुम लंच पर क्यों नहीं आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फिलिया। मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ। कहीं कुछ चुभ रहा है? ये क्या, ये कपड़े तुमने कहाँ से पहन लिए? कैसे लग रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आजकल लोग थोड़े लंबे कपड़े पहनते हैं? इस अजीब से पहनावे के बारे में केबिन में जाकर बात करेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, चलो। सुनो, तुम वहाँ जाओ और तुम वहाँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि इसे कैसे पढ़ना है। हाँ हाँ, ये सच है कि मैं चोरी छुपे घुसा हूँ। ऐसा मत कहो। हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने दो, कुछ रातें भी। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? देखो देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने पहले कुछ बचपना किया है फिलिया, लेकिन तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ओ नहीं, मुझे नहीं लगता बीचम ये सब पसंद करेगा। बीचम? उससे इन बातों का क्या वास्ता? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? हाँ, मजेदार शख्स है। क्या कहा? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे डेक के मास्टर को बुलाकर मुझे जेल भिजवा सकती हो, या फिर सीधे सूली पर लटकवा दो। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ओ, क्या हुआ डार्लिंग? क्यों? तुम भी अच्छे लगते हो। सच सच सच? मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें जहाज के अफसर से कोई तकलीफ हो। अब पहले साफ सुथरे हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। और हाँ, ज्यादा परेशान मत होना, तुम ये केबिन यूज कर सकते हो ना। हाँ, और कोई है? रोनी। रोनी? ओ गॉड। कौन है? मैं डेक का मास्टर हूँ। मैं आपसे वो बातें करना चाहता था मिस। कपड़े पहन रही हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। क्या? अब मैं इंतजार करूँगा। माफ करना, आपको रुकना पड़ा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी जानकारी में आया है मिस कि एक आदमी जो कि एक शातिर चोर है, छुपा हुआ है आपके इस केबिन में। क्या, कितनी अजीब बात है। लवलीन, तुमने ये सुना? हाँ सुना। हाय, हेलो। अब प्लीज ठीक से तसल्ली कर लीजिए। हाय। चलो लवलीन, रोनी कब से इंतजार करता होगा। माफ करना। ठीक है, सब मुझ पे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मिस। आप शायद इससे गुस्ताखी कहेंगे, लेकिन यही तो मेरा काम है। आपका नाम है लवलीन? पराशर। लवलीन एडी पराशर, अच्छा लगा ना। आप चाहें तो मुझे पुकार सकते हैं लव, दोस्तों के लिए। अच्छा, तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। लव, ये मेरे काम का हिस्सा है बिल्कुल। आपका क्या नाम है कैप्टन? लवर, लेकिन चाहें तो आप मुझे पुकारें लवरू शार्ट में। अच्छा, वो आपका नाम कोई दूसरा नहीं है क्यों? मुझे एक मिनट के लिए लगा कि आप गिर गए। तो लवलीन सुंदरी, मुझे लगता है हमें चलकर कप्तान साहब से अब दो चार बातें करनी चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें किसी शॉर्ट नाम से नहीं पुकारता। चलो।
मैं मूर्ख। तो तुम डॉक्टर हो? एक मेल डॉक्टर? हाँ ये सही कहता सर। किस चीज के लिए आए हो यहाँ? शराब, औरत या ड्रग्स? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता। ऐसी हालत में मैं तुम्हें इंजन रूम में काम करवाता, लेकिन तुम मेरे भाई को जानते हो इसलिए तुम्हें कम सजा मिलेगी। ओह आपका शुक्रिया सर, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना निजी नौकर बनाता हूँ। इस जहाज के कर्मचारी की हैसियत से तुम्हें किसी भी यात्री से बात करना या उन्हें परेशान करना मना है, पुरुष या औरत। लेकिन शायद तुम्हारे पास इन चीजों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। शुक्रिया कैप्टन साहब, मुझे किस वक्त काम पे आना पड़ेगा? बताता हूँ, बिल्कुल मेरी तरह दिन के 24 घंटे। 24? ले जाओ इसे और एक ड्रेस दे दो। बहुत अच्छा सर। गुस्ताखी माफ सर, क्या आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, इसको दूं? बिल्कुल नहीं, पहले इसे कुछ काम करने दो। ठीक है, एक टोपी सिर पे। सब सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ सब। दाएं से चलेंगे, दाएं चल। एक लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सब हो गया सर। ब्रक जी, ये फिर से करो और इस बार साबुन और ब्रश का भी इस्तेमाल करो, समझे? ये सब फिर से करूं सर? हाँ, हमारे यहाँ धोने के बाद उसे पॉलिश भी करते हैं। आराम हराम है ब्रुक, निजी नौकर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैसा लग रहा है सर? अच्छा है ब्रुक, अच्छा है। इसकी पॉलिश कम करो महामूर्ख। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर। मुंबई की भेल आगरे का पेठा अहमदाबाद का ढोकला। मुंबई का भेल आगरे का पेठा अहमदाबाद का ढोकला। साउथ का रसम दिल्ली की चाट और कलकत्ता का रसगुल्ला। मद्रास का रसम दिल्ली की चाट और कोलकाता का रसगुल्ला। बहुत अच्छे, फिर मुंबई का भेल अहमदाबाद। ओ डॉक्टर, हम अपना भाषा सुधर रहा है। कुछ दिनों बाद कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल गवार नौकर। हमारा टीचर हमसे बहुत खुश है। मुझे तुम्हारे साथ केबिन में रहना है। स्टूअर्ड हमको पहले ही बता दिया। ठीक है, हमको कोई ऐतराज नहीं, तुम्हें पढ़ा लिखा साफ सुथरा इंसान लगता है। हमारा ख्याल में तुमको कोई ऐसा वैसा आदत नहीं है जैसा जैसा मेरा टूथब्रश को इस्तेमाल करना? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अगर तुम हमारा काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा तो हमारा खूब जमेगा। मुझे किसी के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। ओ हमको हमको थोड़ा मदद करने दो। तुमको ऊपर वाला बिस्तर देने में हमको बहुत खुशी होता है। अब मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं योगा करने वाला है। जो चाहे करो, बस खाने से पहले मुझे थोड़ी देर के लिए ठंडक और शांति मिलने दो। एकदम बढ़िया संगीत, पहली नंबर का पायदान पर है, हिट म्यूजिक। ये बिना का गीत माला कहाँ से लगा दी? You've done it again, ain't you? You distinctly said in front of all these witnesses you only wear a black tie for dinner. काम करो ब्रुक, काम करो, तुम यहाँ छुट्टी नहीं मनाने आए हो। Mm-hmm.
बुरा ना माने तो आप वहाँ बैठ सकती हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मिस्टर वेंडोवर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ये मेरी प्यारी बेटी के बारे में है। हाँ, वो काफी प्यारी है और खूबसूरत भी। वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैंने तुम्हें देखा है उसके पीछे दुम हिलाते हुए पिछले एक हफ्ते से, और शायद तुम्हारे लिए ये जान लेना जरूरी है, अगर मुझे उसकी शादी करानी हो तो वो कोई भला इंसान ही होगा जिसे कुछ दिमाग भी हो, जो मौजे पे चप्पल पहने आधी चड्डी में ना घूमे। तुम शायद मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे वो सवाल पूछूं? तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो मिस्टर वेंडवर। मेरा मतलब, अगर मैं उससे वो सवाल पूछता तो उससे पहले कई बातों का ख्याल रखना पड़ता, जैसे कि क्या मैं तुम्हें अपनी सास के रूप में झेल पाऊंगा। ओह, कितनी बचकानी हरकतें करते हो। और दूसरी बात, कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पैसों के पीछे नहीं हो? तुम्हें कौन समझा है मिस्टर वेंडवर, मेरी बेटी और मैं ऐसी औरतें हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे किसी ओंगे पोंगे आदमी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं हो सकता, अगर तुम सोने से लदे होते तब भी, समझे? और अगर इस बीच सच्चा प्यार उमड़ पड़ा तो, मतलब वो अगर मेरे प्यार में सचमुच पागल हो गई तो? मेरी बेटी समझदार है, किससे प्यार करना चाहिए उससे पता है मिस्टर वेंडवर। और मेरी लाडली भी ऐसे मकाम की आशा रखती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ओ, लगता है मेरा कोई कंप्यूटर भी है। कैप्टन स्प्रेड कुछ कम नहीं। क्या वो मुच्छड़ भी उसके पीछे पड़ा है? ओ, उन्होंने इसे अपने कैबिन में बुलाया है फैंसी ड्रेस से पहले, क्या समझे तुम? तो ये बात तुम अपने दिमाग में डालो और फिट कर लो। क्या बेहूदगी है! जैसे ही पहला पड़ाव आएगा मैं अपने वकील से बात करने वाली हूँ। ओह, शायद मैंने थोड़ा पानी पी लिया है। वहाँ की धूप देखो और मीटर को 6 पर रखो। हाँ, और उसे यहाँ ले आओ। ओके, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ हमारी परियां कहाँ गई? कम ऑन, जल्दी आओ लड़कियों। हाँ ओके, अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ सीढ़ियों पर खड़े हो जाओ, वहाँ पर। ओके, ये ठीक है। कम ऑन, जल्दी करो। और हाँ, तुम नीचे ही खड़ी रहना, अब ठीक है। अब डार्लिंग, अब हटो भी वहाँ से, हर तस्वीर में तुम नहीं आ सकते। बाद में मिलते। शुक्रिया, बराबर। अच्छा है, अब ईव तुम वहाँ ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाओ, वहाँ ऊपर तुम वहाँ चढ़कर बैठ सकती हो, एकदम ठीक है। जरा तुम उसको हाथ दोगे प्लीज? कितने अच्छे हो तुम। क्या तुमको करने के लिए कोई काम नहीं बचा डॉक्टर? बस यार, चिड़ियों को देख रहा हूँ। हाँ, कभी कभी कई चिड़ियाँ जहाज के ऊपर से उड़ता है, ये उस पर निर्भर करता है कि हम उनको कौन सा दाना देता है। नहीं यार, मैं उस तरह की चिड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन चिड़ियों की बात कर रहा हूँ जो नीचे है, खास तौर पर जो बिग चैंप के साथ कमी ना। ओ, एकदम खूबसूरत है, एकदम भालो। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकता। क्या वो कोई अछूत है? मुझे तो उनको छूने में खूब मजा आएगा। डार्लिंग, क्या तुम अपने कोट को जरा उतार सकती हो? ठीक है। हे भगवान, ये तो मेरा दुश्मन लगता है, एक तरफ समंदर है और इतनी ठंड भी लग रही है, जल्दी करो। अब थोड़ी मेरी तरफ घूम जाओ जानू। हे ब्रूकी, हाँ यहाँ ऊपर। हाय 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 हाय। ओ माय गॉड, लड़की गिर गई भाई। ओ माय गॉड, बचाओ बचाओ, जल्दी कुछ करो। वो तो मुझे भी नहीं आता, जल्दी से टायर ले आओ, टायर ले आओ, टायर ले आओ जल्दी से। अरे जल्दी करो, वो डूब रही है। हाथ दिला दिलो, हाथ दिला दिलो, हाथ हाथ। अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास। हमारा प्यारा डॉक्टर और डूब रहा है, उसको बचाओ, जल्दी करो। मेरा कैमरा, बचाओ, यहाँ से दूर नहीं जाने का। अब बिल्कुल बचाओ, हम अभी हमारा कैप्टन को बुला के आता है। बचाओ 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 बचाओ। ठीक है ब्रूक, रुक जाओ, जहाँ वहीं रहो। बचाओ बचाओ, आराम से, घबराओ मत, मैं हूँ। बचाओ, हट जाओ, आने दो,
मुझे पता है उसे क्या करना है, उसे लेटा दो और थोड़ी सी हवा आने दो। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं अपने मुंह से उसे सांस देने वाली हूँ। ओह, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए डार्लिंग, पता नहीं कैसी बीमारियां लगी हों इसे। जहाज पर कोई डॉक्टर है क्या? हाँ, मैं जहाज का डॉक्टर हूँ। तुम लोग जरा पीछे हटना, मुझे जाने दीजिए। माफ कीजिएगा मिस, मुझे देखने दीजिए। अभी देखते हैं। वो जिंदगी भर होट कहाँ है? इसकी बात छोड़ो, तुम जरा अपनी गर्दन उठाओ, नीचे झुको, फिर एक बार पीठ जरा देखने दो, थोड़ा ठीक से देखने दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बीमारी है। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता डॉक्टर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी एक डॉक्टर हूँ पता है। नहीं हो सकते, मुझे भला क्या हुआ? हेपेटाइटिस एफ्रिकोनिया। अगर ऐसा होता तो मेरे शरीर पर दाने निकल आते। देखो अब तुम्हारा पूरा शरीर दानों से भरता जा रहा है। किसी के पास शीशा है? शीशा। थैंक यू। ओह माय गॉड, इसे पकड़ना जरा, मुझे मेरे केबिन में जाना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बेशक करूंगा मैं। चलो सब लोग दूर रहो, हेपेटाइटिस एफ्रिकोनिया खतरनाक छूत की बीमारी। हाँ तुम्हें तैरना नहीं आता, लेकिन तुम पहले शख्स थे जिसने छलांग लगाई मिस सेफिलिया को बचाने के लिए। अब क्या कहूँ सर, कोई भी होता तो यही करता। शायद मैं नहीं करता, मैं थोड़ा अच्छा दिमाग रखता हूँ। तुम्हारी इस बहादुरी को देख करके कुछ यात्रियों ने तुम्हारे टिकट का पैसा दिया है। क्या कह रहे हैं, मुझे इसे लेने में बड़ी खुशी होगी। लेकिन तुम्हारी तरफ से मैंने पहले ही मना कर दिया है उनको, क्योंकि डॉक्टर हैरिसन बीमार हैं, इसलिए अब तुम यहाँ नए डॉक्टर हो। मैं यात्री ही रहना पसंद करूंगा। जो कहा जा रहा है वही करो, वरना फिर से झाड़ू पोछा करवाऊंगा। अच्छा तो बेहतर होगा कि मैं आपका कहना मानूं। अच्छा निर्णय है। एक मिनट डॉक्टर। सर इस एक्सरे को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं खुद एक बीमार आदमी हूँ। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रोस्टेनिया प्रेटोनियम है। एजीएस में पता चला है कि खून का प्रवाह ठीक नहीं है, WRS नेगेटिव है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई है। और हाँ, एक प्रसिद्ध सर्जन का भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्या कहते हो जी सर? हाजमे की तकलीफ है। तो जाहिर है कि तुम्हें इसका इलाज भी पता होगा जो कि मुझे राहत दे सकता हो। एक बड़ा डोज कैस्ट्रोल का, ठीक यही दवाई मैं आपके लिए उचित समझता हूँ सर। मुझ पर इतना गुस्सा मत उतारो। अगर आपको ठीक होना कैप्टन तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको कैस्ट्रोल पसंद नहीं है तो उसमें संतरे का रस मिलाकर पी जाओ, शराब की तरह। अगर कोई मैं शराब पीता हूँ तो वो है ड्राई मार्टिनी, और मैं उसे पीता रहूंगा। आपने पिछली बार कब? 3 दिन हो गए। ऐसी हालत में आपका डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको शराब पीने से मना करता हूँ, और धूम्रपान और अटरपटर खाने से भी। ओ हाँ, एक बात और है सर। क्या? औरत नहीं। क्या? आदमी भी नहीं। हाँ अंदर आइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कोई एतराज तो नहीं अगर कोई बुड्ढी अंदर आ जाए? नहीं, तो आइए। मैं हूँ मिसेस डेली। ओ हाँ, फर्स्ट क्लास यात्री, वो तो देखते ही पता चल गया होगा। हाँ, क्या तकलीफ आपको? ऐसा है डॉक्टर, अगर तुम मुझे कुछ गोलियाँ दे सकते तो। किस प्रकार की टेबलेट्स? नहीं तुम तो जानते हो वो गोलियाँ। ओ आप वो गोलियाँ? ओ नहीं नहीं नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, हालांकि वो मेरी बेटी के लिए है। वो खुद आना चाहती थी लेकिन शर्माती है। अच्छा, क्या वो शादीशुदा है? नहीं, प्रिकॉशन रखती है। ये बात है, उसने पहले भी दवाई ली है? हाँ, लेकिन वो प्यार में पड़ गई है। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि आप अपनी बेटी से जाकर कहिए कि वो आकर मुझसे बात करे। मैं समझ गई, बता दूंगी। और मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ डॉक्टर। मेरा मतलब हम लोग थोड़े ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, छोटे लोगों से बात नहीं करते। चलती हूँ, बाय। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? जाकर अपने कप्तान से कहो कि मैं यानी वेंडोवर से बात करना चाहता हूँ। वेंडोवर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ सिर्फ इनवाइटेड लोग ही आ सकते हैं और कोई नहीं, समझे? अगर तुम्हारे बुलाने का इंतजार करता तो केबिन में बैठा बैठा बूढ़ा हो जाता। तुम्हारी टेबल पर आने नहीं देते, तुम्हारे ऑफिस आने का निमंत्रण नहीं, फैंसी ड्रेस के पहले वाली पर्सनल पार्टी का भी इनविटेशन नहीं है। मैंने 2000 पाउंड खर्च किए इस ट्रिप के लिए और मुझे कोई न्योता नहीं। मेरा डिसीजन है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं सब समझता हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड पे डोरे डाल सको। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? डॉन डेरी नाम की डांसर जिस पे मैं डोरे डालता हूँ, तुमने उसे बुलाया और मुझे नहीं, ताकि तुम उस पर अपना रोब झाड़ सको, अपने ऑफिस में बुलाकर उसका मन जीत सको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे न्योता नहीं मिला तो मैं ऊपर तक जाऊंगा और सबको बता दूंगा आप भेदभाव करते हैं। तो अगर आप मुझे इन्विटेशन देंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये जो बकवास कर रहा था उससे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी शर्ट को देखकर आ रहा था।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कैप्टन, गुड इवनिंग बीचम। बीचम प्यारे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो वाकई में डॉक्टर डेयर बन के आए हो। और क्या रॉनी? क्यों लड़कियों, तुम में से क्या कोई मेरा पेशेंट बनना चाहेगा? क्या तुम बनना चाहोगी? ओ, बड़ी खुशी से। ओ कप्तान साहब, माफ करना जरा। हेलो मिस्टर पर्सर। ओ कप्तान साहब, आपने क्या बढ़िया पार्टी दी है, बहुत ही बेहतरीन पार्टी। अफसोस, इससे बात करने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा। यह खूबसूरत नहीं लग रही? ओ, बहुत बढ़िया। हम लोगों को तुम्हारा डांस देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ शागिर्दियों, आपको पसंद आएगा। क्यों नहीं, हमें जरूर पसंद आएगा। नाचते हुए भी उसकी मोहक अदाएं बड़ी प्यारी है। ओ, शायद वो देखने का मौका बाद में मिले। जरूर, बड़ी खुशी से, क्यों नहीं मिलेगा। माफ करना, मुझे अपने मेहमानों का स्वागत करना है, आ जाओ। ओ कितना बढ़िया, तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ गया। नहीं चलेगा, मेरे लिए तो मिस्टर वैंडोवर ही ठीक है। मम्मी कोई बात नहीं लाडली, अब मुझे लगता है दोनों में से मिस्टर वैंडोवर ही हमारे लिए सोने की मुर्गी साबित होंगे। प्लीज प्लीज इसे पहन कर देखो सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक रहेगा। एक और बात। अच्छा ये कैसा है? हाँ, अब मुझे एक बेल्ट चाहिए। पट्टा प्लीज, ऐसे इस तरफ से सर, पट्टे के लिए इस तरफ से। कैसा लगता है? अब शायद इनामों में मुझे हार मिलेंगे। हमारे पास एक ताज हार। नहीं हो सकता, अभी दिखाता है। सेठ जी, तुम लाजवाब हो। हमारे पास है सर। मैं सबसे इज्जतदार रोमन लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ शायद? एकदम भालो, खूबसूरत। लोग देखते कहेंगे, हे भगवान, ये इतना सुंदर नौजवान कौन है धोती पहना हुआ? क्या पहने? ये धोती सर। जानते हो, जानते हो मेरे पैर बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत है सर, बहुत ही अच्छा है। इतना लंबा है कि आपका कमर तक जाता है। क्या, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यह तो एक बहुत ही लुभावनी शाम थी कैप्टन साहब। अभी खत्म नहीं हुई है मैडम। आपका स्पेशल ड्यूस सर, मजबूरी है। तो क्या यहाँ कोई मेरे जैसा है? तुम्हें ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिला? ये क्या नहीं कर सकता, पैसा सब कुछ कर सकता है। ये देखिए, ये मेडल्स देख रहे हैं, एकदम असली जैसे। माफ कीजिए। आप दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसके लिए काफी तकलीफ उठानी पड़ी। ये देखो, ये इसके सोफे से निकाला और ये पैडिंग डाला। हाथ लगाओ। आप तो बहुत ही नटखट हैं। जैसा कि तुम जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बिल्कुल मुझ जैसे हो और तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, तो तुम मेरी खूबसूरत पार्टनर के साथ डांस करो और ये कॉकटेल पियो। थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा ही था कि तुम कभी ना कभी सुधर जाओगे। चलो चिन चिन चीयर्स, हम ऐश करेंगे। देखो पेटू, ये लो मैं आया। तुम्हारा ये ठंडा हाथ मेरे बदन से हटाओ। गलती से चला गया। अफेलिया। ब्रूक, ब्रूक, तुम्हारी ये कपड़े मुझे अच्छे लगे। ब्रूक, तुम ये क्या बन करके आए, रोमन गॉड? ब्रूक, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल गई। तुम्हें इसे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है, इसे कहना चाहिए तुमने बचाया इसे। लेकिन ये बहादुर था और कोशिश तो की। हाँ, और अब मैं अफेलिया के साथ डांस करना चाहता हूँ। मत करो, कोई डांस नहीं, अकेले नाचते हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी किस्मत। स्वार्थी। मुझे लगता है उसे भूख लगी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया डेयर। मैं
बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो चलो थोड़ी देर के लिए डेक पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है। ओ, ये बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हो तुम? क्या बेहुदा हरकत है? सच कहूँ तो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जहाज पर। अब तो जहाज पर यात्रा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सब अपने अपनी जगह पर चले जाए तो हमारे जहाज के एक यात्री मिस डेली हमारे सामने एक नृत्य पेश करने वाली है। मिस डेली। इतना मजा आ रहा है ना? ये लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है ना? मेरी बेटी वो शुरू से ही बेहतरीन अदाकारा रही है। वो अपना डांस कब शुरू करेगी? नाच ही तो रही है। कितनी बेवकूफ है ये। तुम्हारे नाप का रोनी पहन लो कमीनी। अरे देखो तो इसको। ये मत समझना कि वो सब कुछ उतारने वाली है। शायद उतारेंगी। क्या बेशर्मी है? बिल्कुल नहीं, गंदगी आपके दिमाग में है। इस औरत में कोई बेशर्मी नहीं। मैं तो स्वागत का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें उस पर काफी नाज होगा ना? बड़ी प्यारी लड़की है। बिल्कुल मेरे जैसा नाचती है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता। काश ये संगीत चलता रहे और साथ साथ मैं भी चलता रहूं। मिस्टर पर्सन, लाइफ बोट की प्रैक्टिस, उन्हें कहो हॉर्न बजाएं, मैं यात्रियों से बात करता हूँ। ठीक है सर। मम्मी, ओ भगवान। चिंता मत करो डार्लिंग, मैं हूँ ना तुम्हारा आशिक। ये तो मैं आग बंद करके कर सकता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो वैंडोवर छिछोरा पर? बंद करो। मम्मी मैं पूरी भीग गई। कोई बात नहीं बेटी, मम्मी तुम्हें सुखा देगी। हाँ
आ जाइए कप्तान साहब। ये क्या है? इमरजेंसी बेल है, शायद जहाज डूब रहा है। बकवास, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। वो तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ बचाओ, औरतों को और फोटोग्राफर्स को पहले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अमेरिका में रहने के मौके के साथ साथ मेरे लिए एक बेहतरीन नौकरी भी है, जैसे ही मैं शादी करता हूँ। तो बताओ डॉक्टर ब्रुक, तुम किससे शादी करोगे? मैं वही कहने जा रहा था फेलिया, मैं जानता हूँ कि मैंने अब तक काफी बचपना किया है। ये लोग बेल क्यों बजा रहे हैं? सिर्फ सूचना कि जहाज डूब रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी... जहाज डूब रहा है। ओ ब्रुक, तुम तो तैर नहीं सकते, तुम लाइफ जैकेट निकाल दो। तुमने तो अच्छी खासी खलबली मचाती। तुम में जरा भी इंसानियत होती तो तुम मुझे और मेरी बेटी को लाइफ बोट में बिठाते। हम यहाँ कोई मजे करने नहीं आए हैं, छोटे लोगों से मिल जाएं। तुम्हें बेल सुनाई नहीं दे रही है क्या? पूरे का पूरा जहाज डूब रहा है। उसे मेरे बगैर ही डूबना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इमरजेंसी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। दोनों हाथ दीजिएगा सर। ठीक है, हम खींचता है। एफिलिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ये ठीक है। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। एक ही लाइफ जैकेट है और तुमने उसे पहन रखा है, शर्म नहीं आती? हाँ लेकिन देखो, मुझे तैरना नहीं आता। नहीं। हाँ भाई, मतलब ही डरपोक। अब नहीं आता वो। हम तैर नहीं सकता है, हम तैर नहीं सकता है। तो खड़े हो जाओ मूर्ख। स्वामी सर, ये एक दिल दहलाने वाला हादसा है सर। मुझे लगता है कि आपको कैस्ट्रोल की डबल डोज लेनी चाहिए आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाया है ब्रुक, तुम्हारी काबिलियत की कहीं और जरूरत है। मुझे अभी सिग्नल मिला है कि एक रूसी जहाज डोपनिक से एक मरीज लेके आ रहा है जो कि अपेंडिसाइटिस का है। वो यहाँ पर 20 मिनट में होंगे। क्या मरीज एक औरत है सर? मरीज नहीं आएगा पगले। मैं तुम्हें वहाँ ऑपरेशन के लिए भेज रहा हूँ। आपका शुक्रिया सर। तुम अपने सारे औजार इकट्ठा करो और 15 मिनट में मास्टर से डेक पर मिलो। मैं अपने भाई को इत्तला कर दूंगा कि तुमने बड़ी मेहनत और हिम्मत से इस काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया है। वैसे ऐसा ऑपरेशन करने में कोई खतरा नहीं है सर? नहीं, लेकिन रस्सियों के सहारे इस जहाज से उस जहाज पर तुम्हें भेजने में है, और रूसी लोगों के साथ तो ये और भी रोमांचकारी होगा। प्लीज आप पीछे हट जाइए डॉक्टर ब्रुक, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ सर? पूछिए। अगर ये रस्सी बीच में टूट गई तो क्या होगा? आप सिर्फ भीग जाएंगे। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं, गिरते ही सीख जाएंगे, लेकिन सांस लेना मत भूलिए। बॉयज, रस्सी छोड़ो। मुझे अब छोड़ना प्लीज। हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, छोड़ना नहीं। हुर्रे हुर्रे, पकड़ के रखना। शुक्रिया, समझ गए। शुक्रिया आपका दोस्तों। तुम डॉक्टर, मैं कप्तान, मेरे पीछे आओ प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। मैडम, ओ यार बोलत, ओ कगरा प्रिजो डॉक्टर, ओ ये मरीज तुम काटो। यहाँ? हाँ लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बहुत गंदगी है। गंदी सेहत के लिए खराब, साफ करो। तुम साफ करो इसे। बहुत देर, वो मरेगा, तुम काटो। मुझे नहीं लगता है, सबसे पहले मुझे मुझे लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन सबको जाने को कहो। नहीं, वो रुकेंगे, वो देखेंगे, अच्छा लगता है टीवी नहीं।
अच्छा, मुझे गर्म पानी चाहिए। चाय के लिए? नहीं, मेरे औजार धोने के लिए। साफ करने के लिए? ओ, तुम्हारे औजार धोने के लिए। हाँ, वैसे कोई जरूरत नहीं। थू, ठीक हो गए। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या खुशबू, हमको बहुत डर लगता है, हमको नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। मैं ये इसे सुला देगा। ओ नहीं, मैं इसे सुला देती हूँ। सो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो सब ठीक है। इसका बदन गर्म रखना और कोई हल्का खाना 2-3 दिनों के लिए, और शनिवार को इसके टांके निकालने के लिए इसे ले आना। अच्छा तो मुझे चलना चाहिए, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओ, तुम कहाँ जाओगे? वापस मेरे जहाज पर। और कहाँ? मेरा जहाज? ओ, क्यों ना हमारे साथ रह जाते। आप सब कहाँ जा रहे हो? पहला पड़ाव ग्रीन्सबी, 2 हफ्तों में पहुँचेंगे। रिमिस्की, 2 हफ्ते? लेकिन मेरी प्रेमिका उस जहाज पर थी। ओ, हमारे यहाँ भी लड़कियाँ हैं, देखो। वो खाना पकाने के लिए है और मैं प्यार करने के लिए हूँ। तुम मरीज का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है। अब तुम जरा यहां रुकना भाई। अफेलिया। ओ ब्रो, कहां थे? तुम्हारी बहुत याद आई। क्या मुझे ले जाने के लिए तुम गाड़ी लाए हो? एक छोटी सी टैक्सी है, इसमें ज्यादा जगह नहीं है बैठने के लिए। ओ, वो सारे तो ट्रेन से चले गए, सिर्फ मैं हूं। क्या बात है? और मेरे हस्बैंड? तुम्हारा कौन? मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ये नहीं हो सकता। ओ, तुम यहाँ हो डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बात ऐसी है कि मुझे हमेशा से एक डॉक्टर से शादी करनी थी, लेकिन तुमने मुझे कभी पूछा ही नहीं। बाय। तुम्हारी मर्सिडीज कहाँ है? तुम किसकी बात कर रही हो मम्मी? तुम्हारी गाड़ी की। ओ, उसकी? मेरी फटफटिया तो वहाँ खड़ी है। फटफटिया? और साइड कार। ओ, तुम्हारे उस 22 लाख रुपयों से तुम बहुत कुछ कर सकते थे। 26 लाख मम्मी। तुम्हारी मम्मी बात कर रही है ना? देखो, उस दिन 98 नाम घोषित किए गए थे, उनमें से जो पहला इनाम था वो 220 रुपए 50 पैसे का था। देखो, मैं कोई लखपति नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब मैंने तुमसे खामखा शादी की? हरगिज नहीं। सब कुछ मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारी ख्वाहिश है। एक अच्छी सी रसोई होगी, चूल्हा, एक बढ़िया सा बाथरूम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेली, खाने का बढ़िया सा कमरा, बड़ी सी अलमारियाँ, खेलने की जगह, मेरी फटपटी रखने की जगह, लाइब्रेरी और पढ़ने की जगह। सुनने में बड़ा अच्छा लगा। कितने कमरे हैं घर में? ओ, बस एक ही कमरा है, लेकिन शहर के बीचों बीच में है और भाड़ा है सिर्फ 22 रुपए। संभालो, तुम्हारी माँ को चक्कर आ रहा है। सुनो माम, मम्मी कुछ तो बोलो। कितना भयानक है ये। माम, मुझे इसका कितना दोगे? 4 रुपए। 4 रुपए? मजाक कर रहे हो तुम। हे, क्या तुम शहर जा रहे हो? हालांकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों टैक्सी शेयर कर लेते हैं। बेशक कर सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं, मैं अपना हिस्सा दूंगी। अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो मेरा सौभाग्य है। बस तुम बैठ जाओ इसमें। मैं, मम्मी, दादाजी, बोझो, सब आ जाओ, टैक्सी मिल गई।